क्या आप लोगों को पता है कि जो WhatsApp है उस पर आप लोगों ने कभी ऐड नहीं देखे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो WhatsApp है वो अपनी अर्निंग कैसे करता है, मतलब वो अपने पैसे कमाता कहाँ से है। तो ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साल 2013 में जो WhatsApp था ना, उसने बाकी ऐप की तरह प्लान्स बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे $1.10 दे के आप 1 साल 10 दिन का प्लान ले सकते हो, लेकिन ये जो स्कीम्स थी उनने केवल एक ही साल के अंदर अंदर ये बंद कर दी। अब बात की जाए उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा WhatsApp ने इसीलिए किया क्योंकि उनकी एक साल में इतनी अर्निंग हो गई थी कि वो अपने काम को जारी रख सके। अब सवाल ये उठता है कि जो WhatsApp है आखिर वो अब कैसे पैसे कमाता है। अब आपको ये तो पता होगा कि साल 2015 में Facebook ने WhatsApp को खरीद लिया था, लेकिन उससे पहले जो उसका ओनर था उसे कंपनी ने इतने पैसे दे दिए थे कि वो अपनी जो लाइफ उसे शांति से गुजार सके। अब जो Facebook है वो WhatsApp से जो ली गई जानकारी होती है उसे यूज़ करता है और इसी से वो आपको ऐड दिखाता है। और जो WhatsApp की न्यू पॉलिसी के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो डबल हो जाता है, और अब WhatsApp चाहकर भी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। तो ये वीडियो यहीं तक था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।